हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रवोक, एपिसोड नंबर 7। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो सर्वेंट होते हैं दो फैमिली के, वो डिस्कवर करते हैं कि जो सेकंड फ्लोर है उसमें आग लग गई है और वो इमिडिएटली ये बातें जो होते हैं रिपोर्ट करते हैं क्विन को। जैसे ही क्विन वाई ये बात सुनती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है और रश करती है सेकेंड फ्लोर की तरफ जावी के साथ। वो देखती है कि कमरे में हर चीज़ जल चुकी है, लेकिन रूम के अंदर वो दोनों सेफ होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही रिलीव महसूस करती है। दिखाया जाता है कि दुजन्यू और जियांगिंग जो होते हैं वो शावर लेते हैं और वो अरेंज करते हैं एक चैट क्विन वाही के साथ डाउनस्टेयर में। क्विन जो होती है वो बहुत ही अनईजी महसूस कर रही होती है और वो डर रही होती है कि वो ये सब बातें दुजन्यू को बता देंगे इस इंसिडेंट के बारे में। तो दिखाया जाता है वो सोफ़ा पे बैठी होती है और एंग्शियसली बहुत कम बात करती है। दिखाया जाता है फॉर्चुनेटली दुजन्यू जो होता है, जो घर आने वाला होता है, उसे वापस कंपनी जाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए, इसीलिए क्विन वानी जो होती है वो थोड़ी टाइम के लिए बच जाती है। दिखाया जाता है कि क्विन जो होती है वो सीक्रेटली बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस कर रही होती है। तभी लिविंग डोर के बाहर जियांगिंग जो होती है वो नॉक करती है, जिसने अपने हाथों में कॉफ़ी के कप पकड़े होते हैं। क्विन को महसूस होता है कि जो उसका गिल्ट है कैसे छुपाएगी। तभी वो डिसाइड करती है कि वो जियांगिंग को दुजन्यू के पास जाने देगी ताकि वो उसके बारे में उसकी कंप्लेन कर सके। लेकिन दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है जब जियांगिंग उसे कहती है कि वो सिर्फ यहाँ पर आफ्टरनून टी पीने के लिए आई थी क्विन के साथ, जैसे कि उसने उसको इनविटेशन दिया था, लेकिन एक्सीडेंटली उसके कपड़ों पे कॉफ़ी गिर जाती है, इसीलिए क्विन वाही ने उसे कपड़े दिए हैं बदलने के लिए। मीनवाइल दुजन्यू भी एम्फसाइज करता है दो बार कि वो और क्विन जो हैं वो फैमिली हैं और वो सिर्फ उनके साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने आया था लिविंग रूम में, और साथ ही कहता है कि कॉफ़ी में कोई भी ड्रग नहीं था। क्विन जो होती है वो दुजन्यू और जियांगिंग की बातें सुन के ऑमिडेंटली वहाँ पर रखा हुआ केक और कॉफ़ी में से सिप लेती है, जो कि केक जियांगिंग लाई होती है, जो कि बेस्ट शेफ ने बनाया होता है थैंग सिटी के। दिखाया जाता है जैसे ही दुजन्यू जियांगिंग को वापस भेजता है, वो उससे पूछता है कि क्या अब भी वो एंटर करना चाहती है दो फैमिली में इस सिचुएशन को देखते हुए। तो जियांगी रिप्लाई करती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो दिखाया जाता है दुजन्यू जो होता है उसे मैप देता है दो फैमिली लेआउट का, लेकिन जियांगिंग को तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता होती है उस मैप के बारे में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती है दुजन्यू की और वो बिलीव करती है कि वो उसका एनिमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दुजन्यू को पता चलता है कि वो हर चीज़ जो कि जैंग फैमिली की है, जिसमें वेयर हाउस, शिपिंग डाटा और साथ में जैंग वाओलिन, सब के सब गायब हो गए हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जियांगिंग जो होती है उसे फिगर आउट करना होता है तरीका कि वो किस तरह से दो फैमिली के अंदर एंटर कर सकती है, और उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट की ग्रेव को विजिट कर सके। तभी दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा डियर, जो उसके पापा ने उसे सिखाया था कि किस तरह से बनाया जाता है, उनकी कब्रों के आगे रख देती है, ये बोलते हुए कि वो उनके पेरेंट्स को अकम्पनी करेगा उसके बिहाफ पे। दिखाया जाता है जैसे ही जियांगिंग लेफ्ट कर जाती है तो दुजन्यू वहाँ पर आता है ताकि वो रिस्पेक्ट पे कर सके जियांगिंग के पेरेंट्स को, और उसे दिखता है वहाँ पर वो छोटा सा डियर जो कि उनकी कब्रों के आगे रखा होता है। तो उसे याद आती है सुसु की, जो कि जियांगिंग फैमिली की बेटी होती है, और उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसे पता नहीं होता है कि कहाँ वो उसे ढूंढे। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुजन्यू जो होता है वो अपने कोऑर्डिनेट को डांट रहा होता है उनकी लापरवाही की वजह से। वहीं उसके सबऑर्डिनेट उसे रीअश्योर करते हैं कि उसने जैंग बाओलिन के पीछे स्पाइस लगा दिए हैं, वो भाग नहीं पाएगा। तो दुजन्यू जो होता है वो रिज़ल्ट देखना चाहता है, इसीलिए दिखाया जाता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्विकली कैरी आउट करते हैं अपना मिशन।
दिखाया जाता है आज के दिन में जियांगिंग जो होती है उसे एंटर करना होता है दो फैमिली में। तो दिखाया जाता है जो सिस्टर होती है जियानलिन की, उसे ड्रेसअप करती है बहुत ही ब्यूटीफुली। और उसी मोमेंट पे दिखाया जाता है कि डोर पे कोई नॉक करता है और हर कोई सोचता है कि ये मैच मेकर है जो कि जियांगिंग को टीज कर रहा है। लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो दो जेनयू होता है जो कि पिकअप करने आया होता है जियांगिंग को। दो जिंग चुआंग की जगह। इसी के साथ एपिसोड 7 की समाप्ति होती है।